एवरीवन। तो अभी आप लोग जैसा देख रहे हैं, हम लोग चित्रकूट में थे और चित्रकूट में हम लोग पहुंच गए हैं सती अनुसुईया आश्रम। और ये आश्रम बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही बड़ा बना है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ी सी झलक कोशिश कर रही हूँ इस तरीके से दिखाने की। तो आप मतलब इसका सिर्फ लेंथ और डिस्टेंस देखिए कि कितना बड़ा है। और ये देखिए, इसको इस नाम से जाना जाता है, ओम श्री परमहंस आश्रम। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और ये आंटी जी है कानपुर से, और इन्होंने मेरे को पहचाना, मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है तो बड़ा अच्छा लगा जी। और आंटी ने स्पेशली, आंटी आप कहाँ से हो वैसे कानपुर में? वैसे तो मैं लखनऊ। अच्छा, थैंक यू आंटी, कर लेते हो शूट। थैंक यू आंटी। और जैसे कि आपने देखा, मेरी सब्सक्राइबर मेरे को यहाँ मिली, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे को पहचाना और पलट के वो आई। लिटरली मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है इस चीज़ का कि चलो, हालांकि आपको भी पता है व्यूज़ मेरे कितने आते हैं, बट फिर भी बहुत मतलब मेरे को अच्छा लगा। तो हम लोग अब जा रहे हैं आश्रम में दर्शन करने। तो इस तरीके से कुछ ही झलक मैंने आपको दिखाई है। मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि हर जगह कैमरा अलाउड नहीं होता है, और ये बहुत बड़ा आश्रम है तो आपको मतलब देना पड़ेगा टाइम यहाँ पे। तो ये कुछ झलक मैंने दिखाई है मतलब अनुसुईया जी की, और उन्होंने पूरी क्या कोशिशें करी, और मतलब बहुत झांकियाँ हैं। मैं फिर से आपसे बोली, ये कुछ झलक सिर्फ है, और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कुछ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो बस इसी तरीके से है अंदर, और हम लोग फिर उसके बाद आ गए थे बाहर और चलेंगे निकलेंगे। और पता है यार, चूड़ियाँ देखने में इतनी अच्छी लगती हैं ना, मतलब मुझसे रहा ही नहीं जाता। ये देखिए हर कलर की। आ गए हैं हम लोग रामगढ़। हाँ अभी चलवाएंगे चलवाएंगे, ये लोग वो ले लिए स्नो फॉग, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, कलर फॉग। तो यहाँ पे भी प्रॉपर आरती होती है, और मतलब बोर्ड वगैरह वो दिखाती हूँ मैं आपको। अभी इन लोग वो है ना इस चीज़ का। हाँ हाँ बेटू, हाँ पकड़ो। बच्चे आ रहे हैं, बोले का नहीं है, लाइन से लगी है। आओ चलो, आ जाओ चलो। आती बगले में यही निकल लेंगे, आते चल हाँ। देव अंदर मत डालना बिल्कुल। देव होली, देव होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओहो ऐसे, ये मजा आई। इधर वेद भी कर रहा है। हाँ। लोग इतनी इस बार बोटिंग करी है, इतनी बोटिंग करी, इन लोग के चक्कर में ज़्यादा करी है। और इस टाइम हम लोग हैं भदत घाट में, और ये जो घाट है पीछे जो दिखा रहे हैं, इसी में इनके अनुसार भरत जी यहाँ पे मनाने आए थे राम जी को, वापस चलने के, है ना। हाँ ये घाट है एक्चुअल में। अब हम लोग जा रहे हैं राम घाट, वहीं पर आरती होती है। आरती का टाइम है यहाँ पर 7 बजे, तो तब तक बोटिंग कर लेते हैं। मतलब यही, तो आप ये देख सकते हैं, ये है रामघाट, और यहीं पे आरती होगी। शाम को जो आरती होती है यहाँ पे भी होती है नाकनी की। तो अभी आप मतलब लोग धीरे धीरे अभी जैसे सब बोटिंग वोटिंग कर ले रहे हैं, लाइट्स जल गई हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे जब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी तो वहीं पे गैदरिंग होने लगेगी। जो सब सीढ़ियाँ यहाँ पर, सारे लोग भर जाएंगे। तो हम लोग भी बस उसी के टाइम के हिसाब से कर रहे थे, वोटिंग कर रहे हैं हम लोग इस साइड, जिस साइड हम लोग चल रहे हैं लेफ्ट साइड। इधर लगता है यूपी, और ये है नदी मंदाकिनी नदी, और वो घाट जो है वो आता है एमपी में। तो इस तरीके के, इस तरीके से बॉर्डर से आ रहे हैं। चलो यहाँ ये वाली समोसे की दुकान बड़ी फेमस है, तो वहाँ चलो। Yeah, but I'm not sure.
वहाँ भी रबड़ी लोग बहुत खा रहे थे, तो हम लोग भी मतलब मैंने हमने भी ट्राई किया, बट जो बनारस में बात थी ना वो यहाँ की रबड़ी में बात नहीं थी। वो तो आपको लग रहा होगा देख के ही, तो वो वहाँ की तो एकदम अलग सी थी। तो पीछे हम लोग थोड़ा बहुत खा पी के फिर बैठेंगे, और इसी के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया था, थोड़ा सा ऐसे ही समोसे वगैरह लिखो, और उसके बाद हम लोग आरती के लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही है। बाई चांस इस बार हम लोग को सीट काफ़ी आगे की मिल गई थी, और नहीं तो बहुत जल्दी घेरा हो जाता, इसीलिए हमने बताया ना कि पिछली बार हरिद्वार में काफ़ी पीछे रहा था, तो यहाँ हमने कोशिश करी थी कि आगे आगे अटेंड करें। और यहाँ पे ऐसा भी है कि आप अपने नाम से भी आरती करवा सकते हो, ये मुझे बाद में पता चला। नाम से मतलब जैसे आज इनके नाम की आरती, मतलब समझ रहे हैं आप, हाँ वैसा। तो ये देखिए आरती यहाँ भी बड़ी सुंदर थी, मतलब आपको देखने लायक है, काफ़ी अच्छी थी। तो अभी बजा है 7:40 एग्जैक्टली बजा है, और हम लोग आ गए वापस खाना ना, अभी हम लोग दोबारा जाएंगे, अभी मन नहीं है, थोड़ा चेंज करके थक गए हैं। फिर 9:30 पे एक्चुअली यहाँ पे एक जो होटल है, एक्चुअली होली का दिन है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ओपन नहीं है खाने के मामले में, तो जो ओपन है उसमें बहुत भीड़ है। तो हम 9:30 फिर से जाएंगे, आ गए हैं अपने होटल, ये देखिए अगर किसी को देखना हो तो थोड़ा चेंज वेंज कर लेते हैं। नहीं हाँ होंगे मम्मी के जो है पर्स उसमें ही है। अरे कल चेकआउट के टाइम, चेकआउट के टाइम। अरे दबाओ तो। क्या दबाए? ज़ॉम्बी नीचे थे, फट चुके बार 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 बजे। तो बस हम लोग अपने रूम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपने देखा बाद में चेंज वेंज करके आराम से हम लोग डिनर करेंगे। और यहाँ पे मोस्टली अगर आप चित्रकूट में जाओगे ना तो थाली सिस्टम चलता है, मैं आपको पहले बता दूँ, अनलिमिटेड थाली वाला है, मतलब थाली आप जो भी लेना चाहो जो भी अपने हिसाब से, वैसा सिस्टम यहाँ ज़्यादा चलता है। तो बस डिनर विनर करके फिर यार सो जाएंगे सुबह, क्योंकि जल्दी उठना है। और अभी बजे हैं सुबह के एग्जैक्टली अगर मैं दिखाऊँ आपको 6:22, और देव रेडी हो गया है, हम लोग रेडी हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे कामतगिरी पर्वत पे, वो कामतानाथ जी भगवान है झूले में, झूले में एक्चुअली यहाँ पे रोप वे भी चलता है, दो जगह चलता है। तो वो अब देखते हैं कि अभी होली के बाद ये चीज़ें खुल गई हैं कि नहीं खुली हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। और आज मैंने अपना ये कॉटन कुर्ता और कुछ ये ऑक्सीडाइज वेयर किया है विद ये और इयररिंग्स, और ये तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। पैरों पे मत जाना, स्लीपर भी करिए क्योंकि चलना बहुत होता है। जो कामतानाथ भगवान है वो उनकी जो परिक्रमा होती है वो 5 किलोमीटर की होती है, तो देखते हैं अभी जाके कि वहाँ पे कैसा क्या होता है, चल रहा है नहीं चल रहा है, नहीं तो ये बच्चों को बैठाएंगे हम लोग उसमें, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है हर चीज़ के, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकान है, तो ये देखिए आप बिल्कुल हम लोग मंदिर के जस्ट बाहर पहुंच गए हैं। और जिस यहाँ पे बंदर बहुत है, पहले तो मैं ये बता दूं, तो जैसे आपको सामान लेते हैं या कुछ लेते हैं तो वो आपको ना गाड़ी में या फिर कहीं ऐसे रखना पड़ेगा। और ये ऑरेंज ऑरेंज पिंक थोड़ा आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, तो वहीं पर एंट्री है, वही मेन मंदिर है। Hey
होगा।